अल्लाह ताला ने 25 बरस इंतजार किया था, पहले अजाब का कोड़ा फिर मारा हमारी पीठ पर। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब का मजा चखाएंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। वो हमसे 1000 मील के फासले पर हुआ था, अगरचे 93,000 हमारा कड़ियल जवान, जिनमें गालिबन 43,000 फौजी और ये कि तकरीबन इतनी तादाद में जो गैर फौजी थे, वो उस हिंदू के गुलाम बने, कैदी बने, जिन पर 800 बरस तक, कहीं 600 बरस तक, कहीं 1000 बरस तक हुकूमत की। इतनी बड़ी शिकस्त का कलंक का टीका हमारी पीठ पर पड़ा। पहले अजाब का कोड़ा आ गया था, 25 बरस हो गए थे कमरी हिसाब से, नोट कर लीजिए, ये न समझिए 24 बरस हुए थे, 24 बरस कमरी हिसाब से 25 बरस थे। और अब नोट कर लीजिए, अगले 25 बरस के पूरे होने में अगले रमजान की 27 तारीख तक सिर्फ मोहलत है, निस्सदी पूरी हुआ चाहती। कोई अजब नहीं उस अजाबुल अदना से बाद हम जागे नहीं, होश में नहीं आए, कोई अजब नहीं कि बड़े अजाब का कोड़ा हमारी पीठों को बरस गया। लेकिन मुझे यह यकीन है, नोट कर लीजिए, अगर ये दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा, लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से हो। तारीख में यह हो चुका है आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सलम खाने से, तातारियों के हाथों करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन इस्लाम ने तातारियों को फतह कर लिया, और फिर इस्लाम का मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज उन्हीं तातारियों की मुख्तलिफ शाखों के तहत हुआ। वो तातारी ही तो थे, वो सारे होर्स, टर्किश होर्स, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सबवी, तुर्कान सलजूकी, तुर्कान उस्मानी, वही तो स्टॉक तो वही है आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मशरिक से होगा, यहां से फौजी चलेंगी। तो कोई अजब नहीं, बहरहाल ये दो इम्कानात हैं, लेकिन इसका फैसला तेरा, तेरे हाथों में है, दिल या बदन, सीधी सीधी बात। अगर तो अब भी हम ठीक हो जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, कौम यूनुस की तरह तौबा कर ले, तो बगैर अजाब के कोड़े के रहमत खुदाबंदी हम पर साया करेगी। अगर हम ना जागे तो वह अजाब का कोड़ा आएगा, ये नहीं मैं कह सकता, इन नदरिया करीब बाईदू मातू अदूर, ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूं कि आएगा, लेकिन ये कि उसके बाद भी यही से बोलबाला होगा, अगर हमारे जरिए नहीं तो उनके जरिए से, जो हमें शिकस्त देकर फिर इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन क्यों ना पहले ही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। वो रास्ता क्या है, बस सिर्फ चंद मिनटों में उसकी मैं वजाहत कर दूंगा, इसलिए कि सारा हमारा जोश भी हो, जज्बा भी हो, इरादा भी पैदा हो जाए, कोई लाइन ऑफ एक्शन सामने ना आए, तो फिर नतीजा नहीं बनता। पहली बात मैं मौलाना से माजरत के साथ अर्ज करूंगा, मौलाना ने फरमाया था कि यहां ईमान बहुत है, नमाजी अक्सरियत में है, मुझे अदब के साथ इख्तलाफ, ईमान नहीं है, या कुरान झूठा है या हमें ईमान नहीं है। कुरान कहता है अंतुमुल अअला इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे तुम ही सरबलंद रहो, हम तो सरबलंद नहीं है, तो क्या कहेंगे कुरान झूठा, ईमान नहीं है। हमें मौरूसी अकायद मिल गए हैं अपने वालिदैन से, हम बाई बर्थ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मुसलमान हो गए हैं, हमने इस्लाम की कोई कीमत नहीं दी है, इस्लाम को कोई तकलीफ झेलकर अपने लिए इख्तियार नहीं किया है। पहला मरहला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़ला अला रसूलिही, ए ईमान वालो ईमान लाओ, एक दर्जे में तो ईमान वाले हो, इकरारुम बिल्लिसान कर रहे हो, आमन तो बिल्लाह है, कमा हुआ बेअस्माही व सिफातिही व कबील तो जमिया अहकामिही, इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिल्कल्ब, आमन तो बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही व कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला व अलबास बादल मौत, लेकिन ये इकरारुम बिल्लिसान है, कभी जरा दिलों में झांको, तस्दीकुम बिल्कल्ब है, तस्दीकुम बिल्कल्ब हो जाए तो जिंदगी का नक्शा बदल जाए, सोच बदल जाए, तरजीहात बदल जाए। आज जिंदगी सबसे अजीज है, फिर शहादत की मौत उससे कहीं ज्यादा अजीज है। निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, जो मर्द आया तबस्सुम, तबस्सुम मतलब
तो पहला मरहला है ईमान की तजदीद, ईमान को ताजा करो, ईमान को ताजा करो, और उसके लिए मंबा और सरचश्मा कुरान हकीम। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। कुरान से ही लोगों को बुलाओ, तिलावत आयात के जरिए से लोगों को खींचो, ये मैग्नेट है जो सलीमुल फितरत लोगों को खींच लेगा। फिर इसी के जरिए से तज़किया करो, या युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउ लिमा फिस्सुदूर, तुम्हारे सीनों के अंदर जो रोग हैं उनका इलाज भी यही कुरान है।